Hello students, this is the 7th video of electrostatics, and in this video we will study about electric field lines and its properties. Now we say that vector representation or graphical representation of electric field is called electric field line. So this is the vector or graphical representation of electric field. Now इसकी कुछ properties होती हैं जो हम एक एक करके देखते हैं. Properties of electric field line. First, they originate from positive charge and terminate at infinity. Or originate at infinity and terminate at negative charge. So we can say, suppose this is a positive charge, तो इसका electric field line मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं, ऐसे. So आप देख सकते हो ये positive charge से originate हो रही है और ये इंफिनिटी पे तक जा रही है. पॉजिटिव से इनवर्ट ओरिजिनेट होके इंफिनिटी तक जा रही है. सिमिलरली अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं इस तरह से बना सकता हूं. सो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफिनिटी से आ रही है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है. ओके, नाउ इस डायरेक्शन को हम इस तरह की जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है तो इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड वाय, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस चार्ज को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करता हूं तो ये फील्ड लाइंस जो होगी ये इसके रेडियस के अलावा होगी. इस सर्किल को मैंने मान लीजिए ड्रॉ किया चार्ज को सेंटर मानते हुए तो ये फील्ड लाइंस इसके रेडियस के अलावा होगी, इस कारण हम इसको रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं. सिमिलरली इन फील्ड लाइंस को हम बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड. रेडियली इनवर्ड. ओके, नाउ तो ये तो हमने फील्ड लाइंस बनाई थी ड्यू टू सिंगल चार्ज. ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड. और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण कैसी होगी? रेडियली इनवर्ड. बट अगर आपको ग्रुप ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं तो हमें किस तरह फील्ड लाइन बनानी है उसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं. सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में एक और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है. अब मुझे इनकी फील्ड लाइंस बनानी है. नाउ फील्ड लाइंस पॉजिटिव से इमर्ज होगी और इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगी क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो पॉजिटिव से इमर्ज होकर इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगी. तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, ये इससे बाहर निकलेगी और ऐसे हो जाएगी. ओके, तो इन फील्ड लाइंस को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही है. तो दैट इज शोइंग दैट द टू चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर. ओके, तो जब भी दो लाइक चार्जेस पास में रखे हुए हो तो उनकी फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरह से होता है. ये इस तरह का पैटर्न ये शो कर रहा है कि दिस फील्ड लाइंस आर रिपेलिंग ईच अदर. ओके, नाउ अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पास में रखे हुए हैं, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से इमर्ज होगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होगी. तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा. ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि फील्ड लाइन जो है वो एक तरह से इन दोनों की फील्ड लाइन जुड़ गई है. ओके, तो ये ऐसे निकल इस तरह से रेडियल रेडियल डायरेक्शन में होती है पर यहां पे ये दोनों जुड़ गई है. देखो ये शो कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है. ओके, तो ये लाइक चार्जेस की फील्ड लाइन बनेगी,
लाइट चार्जेस में अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव होते तो भी सेम तरह का पैटर्न होता, बस ये जो एरो है ये रिवर्स हो जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन होती है वो इनवर्ट होती है। इस कारण अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तो बस हम इन एरो को अपोजिट कर देते, बाकी ये पैटर्न ऐसा ही रहता। ओके, नाउ ये वाला जो अरेंजमेंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल। इस अरेंजमेंट को हम डाइपोल बोलते हैं। ओके, अब इसके बारे में डिटेल में बाद में और पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट कम लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज फील्ड लाइंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको कुछ पॉइंट्स यहां पे याद रखने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। सेकेंड पॉइंट आप याद कर सकते हैं दैट इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वेल, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी आप ध्यान रखेंगे कि हायर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल पे होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। सी, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम कह सकते हैं दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पे अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने आपको डायपोल बताया था, ये डायपोल है जिसपे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होती है, ये हम देख चुके हैं। ओके, नाउ सपोज मुझे किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस कर्व पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व है इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सिमिलरली मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे सपोज मान लीजिए दो फील्ड लाइंस हैं और वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इस तरफ आएगा, और अगर इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो दैट मींस कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक तो इसके अलॉन्ग टेंजेंट के अलॉन्ग और एक इस टेंजेंट के अलॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाए। तो दैट मींस दैट इट इज दैट टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड में पूछा जाता है व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आप इसको लिख देंगे बिकॉज़ दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स व्हिच विल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। सो फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होते। फोर्थ प्रॉपर्टी,
फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स एज दे आर कंजर्वेटिव. फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की कहीं पर फील्ड लाइन बनाई गई है इस तरह की तो ये पॉसिबल नहीं है. कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ए लूप कैन नेवर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. और इसी कारण हम इनको कंजर्वेटिव भी बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती. अगेन इसको आप डायपोल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. मैंने ये डायपोल लिया एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है इसमें और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी हमने देखा था इस तरह से बनी. नाउ अगर ये क्लोज लूप बनाएंगी मान लो तो क्या होगा एक फील्ड लाइन ऐसे आएगी और एक फील्ड लाइन को नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आना पड़ेगा तभी लूप कंप्लीट होगा. तो और ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव से इन्वर्ट होकर फील्ड लाइन पॉजिटिव में एंटर कर जाए. ओके क्योंकि फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से इमर्ज होती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है. तो दैट मींस दैट फील्ड लाइंस कैन नेवर रिप्रेजेंट ए क्लोज लूप कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप. और इसी वजह से इनको हम कंजर्वेटिव भी बोलते हैं. ओके आगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स. नाउ तो ये लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. इट कैन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बाद में पढ़ेंगे पर अभी के लिए आप ये चीज याद रखेंगे. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इसमें आप याद रखेंगे फॉर यूनिफॉर्म फील्ड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the lines are parallel straight and the separation is same everywhere. means अगर uniform electric field है uniform means कि हर जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है सेम है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड द गैप और द सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस इज सेम एवरीवेयर. ओके तो इस तरह की फील्ड में ओके दिस फील्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इसमें अगर मैं कोई भी दो पॉइंट ले सपोज ये पॉइंट 1 लिया और एक पॉइंट 2 लिया तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2. ओके क्लियर है. यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेट लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैविंग सेम सेपरेशन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अगर मान लीजिए इस तरह की कहीं पर फील्ड है इस तरह की अगर मैंने फील्ड लाइंस बनाई तो दिस विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्योंकि दीज आर नॉट द पैरेलल लाइंस एंड द सेपरेशन इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट. ओके नाउ एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एज द सेपरेशन इंक्रीज
saturation increase the magnitude of electric field decreases. यानी अगर यहाँ पे फील्ड लाइन्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा. फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस तरह से एक फील्ड लाइन्स बनाता हूं, इस तरह की फील्ड लाइन्स बनाता हूं, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूं. सपोज दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू एंड दिस इज पॉइंट थ्री. नाउ यहां पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है तीनों पॉइंट्स पे, तो आप देख सकते हो वन और थ्री पर जो सेपरेशन या फील्ड लाइंस का वो सेम है, तो ई वन इज इक्वल टू ई थ्री होना चाहिए. नाउ सेकंड पॉइंट पे फील्ड लाइंस का सेपरेशन ज्यादा है, दूर दूर है सेकंड पॉइंट पे, तो जो यहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो ई टू का मैग्नीट्यूड इनसे कम होगा. क्लियर है? क्योंकि सेपरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस जगह पे कम होगी. नाउ इस हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं. For conducting materials, the electric field inside is zero. Electric field inside is zero. As the potential inside conducting material is constant. Okay, so conducting material की क्या conductor की क्या property होती है कि उसके अंदर electric field हमेशा zero होता है. इसका proof हम आगे जब Gauss's law पढ़ेंगे तब करेंगे, पर अभी के लिए आप याद रखेंगे कि कहीं भी conductor दिया हुआ होगा तो उसके अंदर electric field हमेशा zero होगा और उसके अंदर पोटेंशियल होगा वो हमेशा हर जगह कांस्टेंट होगा. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगे. व्हाई? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होगी नहीं. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे. और एक पॉइंट और है, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो इस वजह से उसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां पे कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगी इस तरह से. ओके, नाउ सपोज मैंने यहां पे कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया, तो अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे यहां पे बेंड हो जाएगी और कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इस तरह बनेगी. ओके, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं होगी. ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा. ओके, नाउ आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अगर आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो आपको ये पढ़ने में काफी इजी लगेगा और ये टॉपिक समझ में भी आ जाएगा. बोर्ड एग्जाम में इससे
क्योंकि सिंपल टॉपिक है तो बोर्ड एग्जाम में इससे एक या दो मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी आप इस इन प्रॉपर्टीज को रीड आउट कर लीजिए, रिमेंबर याद रखिए, तो आप ये क्वेश्चन का क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेवंथ वीडियो।